आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गर्मियों का दिन चल रहा है तो आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो क्या है, फूट बर्निंग सेंसेशन, जो पैरों में जलन होती है। यदि आप गर्म छत पे जाइए, आपको पैरों में जलन कॉमन सी बात है, हो सकती है, लेकिन कभी कभी ये प्रॉब्लमेटिक कंडीशन भी हो सकती है। फूट बर्निंग सेंसेशन या फिर फूट बर्निंग सिंड्रोम है, जो ज़रूरी नहीं कि मोस्ट ऑफ द केसेस में देखने को मिलता है, क्या है कि जब आपको कोई बीमारी हो तब एक कंडीशन हो सकती है, लेकिन कभी कभी कॉमन केस में देखने को मिल सकता है, जिसमें आपके पैरों में आपको जलन, गर्माहट जैसे, और ऐसे लगेगा कि कोई सुई चुभा रहा हो, इस तरीके से आपको क्या होगा, फील होगा, वो कंडीशन कहलाती है फूट बर्निंग सेंसेशन और फूट बर्निंग सिंड्रोम, या फिर पैरों के तलों में जलन का होना, जो कि कॉमन रीज़न है, किसमें, डायबिटीज़ वाले पर्सन में कॉमन देखने को मिलता है, लेकिन इसके कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारी बॉडी में दो तरीके के जो नर्वस सिस्टम है काम करते हैं, एक होता है पेरिफेरल, दूसरा होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लेकिन जो फूट बर्निंग सेंसेशन वाला केस है, इसमें आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, स्पाइनल कॉर्ड से लेना देना कुछ नहीं होता है, पूरा यहाँ पे कनेक्शन होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, मतलब जो आपका ऑटोनोमस और सोमेटिक नर्वस सिस्टम है उसका, मतलब जो चीज़ आप फील करते हैं, सेंसरी सेंसेस हैं जो आपके, वो सभी नर्व के थ्रू काम करेंगे, और वही चीज़ यहाँ पे आपको फील होगी कि आपको यदि पैरों में जलन हो रही है तो ये सिग्नल आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू आपके ब्रेन से कहाँ तक जाएगा, पैरों तक, पैरों में जो फील होगा वो आपके ब्रेन तक जाएगा। ये कॉमन सी बात है, लेकिन जब भी जिसको भी ये कंडीशन होती है, मोस्टली यदि आप ज़्यादा भाग दौड़ करते हैं तो भी आपको फील हो सकता है, या आप गर्म धूप में जाएंगे तो भी हो सकता है, लेकिन कुछ मेडिकल वे में इसके कुछ और रीजंस होते हैं, यदि जिनको आप अनट्रीटेड छोड़ते हैं तो बाद में आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, और कुछ रेयर केसेस में आपकी नर्व्स भी डैमेज हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे रीज़न कि हमारे पैरों में जलन क्यों हो सकती है। फर्स्ट होता है न्यूरोपैथी, मतलब नर्व से रिलेट करता हुआ क्या है, न्यूरोपैथी, और जो फूट बर्निंग सेंसेशन है इसको न्यूरोपैथिक पेन के नाम से भी जाना जाता है। न्यूरोपैथिक पेन का मतलब आपकी जो नर्व में दर्द हो रहा है सॉरी जो नर्व में आपकी दर्द हो रहा है उसके कारण। फर्स्ट रीज़न होता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जो कि जनरली डायबिटीज़ या फिर कुछ एबनॉर्मल सेंसेशन के कारण हो सकता है, या फिर आपकी जो स्मॉल फाइबर न्यूरोपैथी, मतलब छोटी छोटी नर्व्स हैं उनके जो नर्व्स फाइबर हैं डैमेज होने के कारण भी पेन आपको फील हो सकता है। जो ग्लियनवेयर सिंड्रोम डिसीज़ है इसमें भी हो सकता है, सार्कोइडोसिस में भी हो सकता है। ये सभी कंडीशन कौन सी, नर्व से रिलेट करती हुई, जिसमें डायरेक्ट आपकी पेरिफेरल नर्व का कनेक्शन रहेगा। कॉमनली यदि जब भी आप डॉक्टर के यहाँ जाएंगे चेक कराने के लिए तो आपकी मेडिकल हिस्ट्री ज़रूर पूछता है। इसी तरीके से फिर आता है नर्व कंप्रेशन, जो मोटोन न्यूरोमा है, जिसमें आपके जो नर्व हैं क्या है, नर्व है उसके चारों तरफ थिक जो टिश्यू है उनकी एक थिकनिंग लेयर होगी, जिसके कारण भी आपको जो सेंसेशन है पैरों में जलन है वो फील हो सकती है। टार्सल टनल सिंड्रोम, आपने नाम सुना होगा कि जो पोस्टीरियर टिबियल नर्व है वो कंप्रेस होती है, यदि दबती है तब भी पाँव में आपके जलन हो सकती है। सर्कुलेटरी इशूज़ में यदि आपका जो ब्लड फ्लो है पाँव में, एक्सट्रीमिटीज़ में आपको झंझनाहट टाइप से फील होती है, उसके कारण भी हो सकता है। आप बहुत देर तक पालथी लगा के बैठे रहे या फिर पैरों को टर्न करके बैठे रहे, जब आप पैर सीधा रखेंगे तो भी आपको थोड़ा बहुत फील हो सकता है। पुअर सर्कुलेशन के कारण भी ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। फिर जो नेक्स्ट कंडीशन होती है स्किन कंडीशन, मतलब एथलीट्स फूट, एथलीट्स जो लोग होते हैं वो बहुत लंबे टाइम तक सॉक्स पहने रहेंगे, शूज़ पहने रहेंगे, तो उनमें फंगल इन्फेक्शन होने का कारण हो सकता है, जिसके कारण भी पैरों में इचिंग के साथ साथ बर्निंग हो सकती है, सेंसेशन फील हो सकता है। एक्जिमा, जो कि एक स्किन कंडीशन है जिसमें इचिंग होगी, ड्राइनेस होगी और बर्निंग फीट है, जो कॉमन है, मतलब यदि कोई भी चीज़ आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से अफेक्ट करती है तो आपके पाँव में जलन हो सकती है। कुछ अदर रीज़न हो सकते हैं, अल्कोहल एब्यूज़ हो सकता है, मोस्ट ऑफ दी यदि डायबिटीज़ नहीं है तो डॉक्टर आपका विटामिन B12 टेस्ट कराता है, क्योंकि हमारी बॉडी में नर्व्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जो ज़रूरी विटामिन होता है विटामिन बी कैटेगरी का, B12 विटामिन और साइनोकोबालमिन। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा B12 की टैबलेट लेते हुए, और जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी एज कम्पेयर टू वेज और नॉन वेज के हम कंपेयर करते हैं, मतलब जो लोग वेजिटेरियन हैं उनको होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि B12 जो लोग वेजिटेरियन होते हैं, मतलब जो कि मांसाहारी नहीं होते हैं, उनके खाने में
सब्जियां हैं या फिर दाल है उनमें विटामिन B12 उनको उतना नहीं मिल पाता जितना ज़रूरी होता है, या फिर जो लोग कीमो ले रहे हैं उनको भी हो सकता है, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स ले रहे हैं मतलब वायरल ट्रीटमेंट के लिए, या तो वो कोई भी HIV से रिलेट करते हुए मेडिकेशन ले रहे हैं लंबे टाइम से। नेक्स्ट आता है हाइपोथायरॉयडिज्म, जो कि नाउडेज बहुत कॉमन है कंपेयर टू मेल, फीमेल के, फीमेल में सबसे ज़्यादा आप 10 घर की हिस्ट्री लीजिए वहाँ पे आपको 3 या 4 फीमेल मिल जाएंगी थायराइड की प्रॉब्लम से रिलेट करती हुई। तो ये बेसिक सी कंडीशन है, बेसिक सी रीज़न है जिसके कारण हो सकता है, लेकिन जो कॉमन माना जाता है फर्स्ट डायबिटीज़, दूसरा होता है यहाँ पर पेरिफेरल वे मतलब कोई भी नर्व्स रिलेट करती हुई प्रॉब्लम हो सकती है, तीसरा मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है B12 की कमी के कारण, और चौथा होता है हाइपोथायरॉयडिज्म को लेके। फिर एट द एंड होते हैं क्या जिनको एथलीट्स फूड मतलब कि जो लोग स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको होने के जो प्रॉब्लम है हो सकते हैं। अब इसके लक्षण क्या हैं, सिम्टम क्या हैं, तो वही पाँव में जलन फील होना, बर्निंग सेंसेशन फील होना, माइल्ड से सीवियर भी हो सकता है। यदि आप पिंच या निडल, जैसे आपको लगेगा जैसे कोई अंदर से निडल आपको चुभा रहा है, कभी कभी पाँव में आपके झंझनाहट या फिर नमनेस टाइप की फील होगी, जैसे कुछ है ही नहीं, पैर बहुत हैवी सा लगेगा आपको, यदि अचानक से खड़े हुए या बैठे बैठे अचानक से बैठे या खड़े हुए तो उस टाइम पे आपको डिसकम्फर्टेबल फील होगा, ये बेसिक लक्षण है। फिर आप डायग्नोस कैसे करेंगे, फर्स्ट थिंग फर्स्ट पहले आपकी हिस्ट्री ली जाएगी कि आपको है कब से, कोई मेडिकेशन तो नहीं ले रहे हैं आप। आफ्टर दैट आपका फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, फूड चेक किया जाएगा, डॉक्टर आपको पिंच करके या फिर सेंसेशन फील करवा के पूछेंगे, रिफ्लेक्सेस चेक करेंगे। यदि इतने में भी उनको समझ में नहीं आता है, सबसे पहले तो ब्लड टेस्ट करा के वो आपका जो डायबिटिक लेवल है वो चेक करेंगे कि आपको शुगर तो डिस्टर्ब नहीं है, थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है, B12 की कमी तो नहीं है। आप यदि कभी भी आपको ऐसे फील होता है आप जाएंगे तो आपके 3 टेस्ट सबसे पहले कराए जाएंगे। यदि इसमें भी आपको कुछ उतना समझ में नहीं आएगा आपके डॉक्टर को, तो फिर होता है नर्व कंडक्शन टेस्ट जिसमें आपकी नर्व फंक्शनिंग चेक की जाएगी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी मसल्स का, जो आपकी मसल्स का रिस्पॉन्स है नर्व को लेके वो किस तरीके से है तो वो भी आपका चेक होगा, ब्लड टेस्ट में वही कि विटामिन, डायबिटीज़ और आपके जो कोई मेडिकेशन पे तो आप नहीं है वो सब आपका ब्लड पूरा जो चेक किया जाएगा। इमेजिंग स्टडी लास्ट में की जाती है जब यदि इन सब से पता ना चले कि कोई कहीं हड्डी वड्डी तो नहीं टूटी है या फिर कुछ फूड का स्ट्रक्चर ही तो डिस्टर्ब नहीं है जिसके कारण आपकी कोई नर्व कंप्रेस हो रही है, दब रही है उस वे में। फिर यहाँ पर ट्रीटमेंट का तो हम बात करें तो ये होता है बेस्ड ऑन द सिम्टम या फिर किस रीज़न से हो रहा है। यदि डायबिटीज़ के कारण नर्व आपको पैरों में जलन फील हो रही है तो आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल किया जाएगा, थायराइड के कारण आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो आपको डेली जो मेडिकेशन लेते हैं उसका डोज एडजस्ट किया जाएगा ब्लड टेस्ट करवा के। यदि इससे भी आपको नहीं हो रहा है तो B12 आपका यदि कमी तो नहीं है तो B12 के कैप्सूल्स आपको दिए जाएंगे। कुछ मेडिकेशन के कारण आपकी नर्व में प्रॉब्लम हो रही है, दर्द हो रहा है तो भी आपको यहाँ पर ट्रीट किया जाएगा। यदि फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो फंगल इन्फेक्शन के लिए एंटी फंगल ड्रग्स दी जाएंगी। ये तो था कि आपका यदि पता चल जाए कि किस रीजन से हो रहा है उसके बेस पर, लेकिन जब पता नहीं चलता है तब भी आपको कोई कुछ नहीं निकला, आपको ना आपको थायराइड निकला है, ना डायबिटीज़ निकला है और ना ही आपको विटामिन B12 की कमी निकली है, तब डॉक्टर यहाँ पे करते क्या है सिम्टोमेटिक रिलीफ, मतलब आपको दर्द हो रहा है, हो सकता आपने ज़्यादा वॉक की या ज़्यादा रनिंग की या कुछ भी एक्सरसाइज वगैरह ज़्यादा की, तो उसके लिए आपको कूलिंग जेल्स दिए जाएंगे, लोशंस दिए जाएंगे, पानी में आप ठंडे पानी में आइस पानी में पैर रख के अपने पैरों की सिकाई भी कर सकते हैं, पेन रिलीवर्स भी आपको दिए जा सकते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के साथ साथ आपको मसाज भी दी जा सकती है। और यहाँ पर जो यदि एथलेटिक्स की बात करें कि उनको और इन किसी रीज़न से प्रॉब्लम नहीं है लेकिन लंबे टाइम तक के शूज़ पहने रहते हैं तो उनके बेस्ड ऑन उनके अकॉर्डिंग कस्टमाइज शूज़ हैं जो बनवाए जाते हैं। यदि बात करें हम कि आप नॉर्मल जो लोकल शूज़ में रनिंग कर सकते हैं और जो यदि कोई एथलेटिक्स हैं उनमें रनिंग करेंगे तो उनको आपको तो क्या है एक दो दिन दर्द हुआ बैठ जाएंगे लेकिन वो नहीं बैठ सकते, इसलिए उनको कस्टमाइज शूज़ हैं जो बनवाए जाएंगे। और यदि इतने में भी आपका ठीक नहीं होता है तो डॉक्टर आपका लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करने की आपको सलाह देंगे कि अपने पाँव को सूखा रखिए ताकि फंगल इन्फेक्शन ना हो, मॉइस्चराइज रखिए, कंफर्टेबल फुटवेयर पहनिए
और यदि आपको इन सब चीज़ों के कारण, यदि आप शराब पीते हैं, सिगरेट लेते हैं, हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं, उसके कारण भी ये ट्रिगर का काम करेंगे, तो भी आप इसको मैनेज कर सकते हैं। और एट द एंड यदि देसी नुस्खे की हम बात करें, तो घर में भरिए एक टब में पानी, उसमें आइस डालिए, यदि पानी ठंडा हो तो ठीक है, उसमें थोड़ा सा आप चाहें तो काला नमक डालिए और उसमें पैरों को आप अपने सोक कीजिए 5 से 10 मिनट के लिए ठंडे पानी में, कोई बहुत ही अच्छा कंफर्ट फील होगा। तो ये क्या था, एक आज हमारा एक छोटा सा टॉपिक, क्योंकि जो अभी जितने भी लोग एग्ज़ाम को लेकर प्रेशराइज हैं, कभी कभी आपको एग्ज़ाम प्रेशर के कारण पूरी बॉडी के पेन के साथ साथ हाथ पांव में भी दर्द हो सकता है। तो एक बेसिक सा था कि जब किसी को डायबिटीज़ ना हो या थायराइड ना हो, B12 की कमी भी ना हो, तब भी आपको पैरों में जलन फील हो रही है और डॉक्टर आपको डायग्नोस कर रहा है, कुछ भी नहीं निकल रहा है, तो आप एक छोटा सा नुस्खा अपना के अपने पैरों को रिलीफ कर सकते हैं। थैंक यू।